है क्या चढ़ो के ऊपर? नहीं मतलब क्या रहा, मैं देख रहा हूँ ना व्यवस्था, 5 मिनट बैठ के वेट भाग रहा हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। कलेक्टर हनुमानगढ़ धैर्य रखने और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं ये क्यों कह रहे हैं, पूरा माजरा आपको बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि कलेक्टर रावसर के दौरे पर थे और वहां पर भाजपा एसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ दुकानदार कस्बे में पानी की निकासी की समस्या को लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कलेक्टर से मिलने पहुँचे, तो वहाँ पर कलेक्टर ने उनको यह नसीहत दी कि धैर्य रखो, ऊपर चढ़ोगे क्या, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। आपको पूरा पहले वीडियो सुनाते हैं। बाजार नहीं, नहीं आप लोगों में देरी है किसी बात का? देरी है क्या चढ़ोगे ऊपर? नहीं मतलब क्या रहा, मैं देख रहा हूँ ना व्यवस्था है, 5 मिनट बैठ के वेट भाग रहा हूँ मैं, 5 मिनट बैठ के बाद SDM ऑफिस भी रुकूंगा, नगर पालिका भी रुकूंगा, तरीका होना चाहिए आप लोग, ऐसा कुछ ही नहीं। यहाँ लोग खड़े थे, यहाँ घुसे तो लोग साहब आए हैं तो रुकेंगे, मैं यही तो कह रहा हूँ। कार्यक्रम था नहीं, लोग खड़े थे तो कार्यक्रम था नहीं था, इसलिए साहब आ गए। बात सुन रहे हो ना, मैं रुकूंगा भी, प्रिंसिपल के ऑफिस में भी बैठूंगा, आराम से सुनूंगा, जब इधर देख रहे हैं तो टेस्ट भी हो रहे हैं। दरअसल भाजपा एसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल और दुकानदार रावसर के अंदर बरसात के पानी की जो निकासी नहीं हो रही है उसको लेकर कुछ बताना चाह रहे थे, और इस वीडियो के अंदर भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार रावसर के अंदर बरसात का पानी सड़कों पर रुका हुआ है, परंतु कलेक्टर के द्वारा धैर्य रखने की सीख देने के बाद वे वहाँ एक बार तो चुप हो गए। बाद में दुकानदार कलेक्टर से मिले और समस्या को समाधान करने की उन्होंने मांग रखी। इस पर कलेक्टर ने कहा कि यह समस्या वर्षों पुरानी है, इसका समाधान धीरे धीरे ही होगा। मीडिया में यह खबर आने के बाद चर्चा का विषय हनुमानगढ़ में जरूर बना हुआ है कि अगर नेता सत्ता पक्ष का होता तो कलेक्टर हनुमानगढ़ शायद उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। जो भी हो, यह चर्चा हनुमानगढ़ ज़िले में जोर शोर से इस वीडियो की चल रही है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।